ओम शांति। आज मैं अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव सुनाती हूँ आप सबके समक्ष अनुभव रख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसा जब मैंने जन्म लिया तो उस समय मैं 3 दिन की थी, लेकिन मेरे पैर के अंदर पोलियो था और जिसके कारण से मेरे को मेरे माता पिता ने समझा कि ये बेटी है, इसको हम पालेंगे, बड़ा करेंगे तो ये देश में, दूसरे देश में चली जाएगी, किसी भी मुल्क में, तो दुख होगा हमको, इसलिए इस बेटी को हम पालेंगे नहीं। तो 3 दिन के अंदर वो मेरे को खड्डा खोद के दबाने लगे थे, उन्होंने सब सामान निकाल दिया था बाहर, हमने मुझे गोद में ले लिया था। फिर उसके बाद हमारे जो है ताया जी थे गांव के, उन्होंने कहा नहीं, इस बेटी को जीते जी मत दबाओ, तुम्हारे पर जो है इसका जो है जिसको बोलते हैं हत्या लगेगी, दूसरे शब्द में इसको बोलते हैं श्राप लगेगा। तो ताया जी ने एकदम से ये बात कही, सब मान गए। तो उस समय पर ऐसे मुझे अब महसूस होता कि सचमुच शिव बाबा उनके तन में प्रवेश होके ये गोली बोली कि इस बच्चे को मत दबाओ। तो उसके बाद मैं बड़ी हुई, हमारे भाई जी ने मेरी माँ को बोला कि माँ इस बहन को मैं अपने आप पालूंगा, आप चिंता नहीं करना। तो भाई सचमुच आज तक भी हमारी पालना कर रहा है। बाकी मैं बड़ी होती गई, जब मैं 16 साल की थी तो माँ ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब माँ शरीर छोड़ गई थी तो मुझे माँ की आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जब माँ का आत्मा की साक्षात्कार हुआ तो मैं समझ नहीं सकी, ये संकल्प मेरे अंदर रहा कि आज मैं देखना है कि अंदर कौन ऐसी शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। तो वो जुगनू के समान आत्मा आंख से निकली, ऐसे अपने टिमटिमाते हुए। तो फिर मैंने देखा और माता के जो है कड़ाहट खत्म हो गई। जो उस समय मैं 16 साल की थी। उसके बाद फिर मैं अपने ढंग से चलती रही, 2 साल और गुजर गए तो हमारे जो है दादाजी आए घर में, और 15 दिन पहले मेरे को मम्मा बाबा का साक्षात्कार हो गया। सफेद वस्त्रधारी तपस्या में बैठे हुए हैं झोपड़ी में, मुझे नहीं पता भाई कौन है क्या है, जंगल में ऐसे तपस्या करते हुए दिखाई दिए। बस फिर भ्राता जी आए जो हमारे दादाजी हैं, उन्होंने झाड़ और गोला लाए थे, त्रिमूर्ति का चित्र
दो। दोनों ने ये चित्र खोले तो मैंने दादा को फट से बोला कि ये तो मैंने देखे हुए हैं। तो दादा को बड़ी अंदर में खुशी हुई कि आप बोला ये कहाँ से देखे, ये तो मैं अभी ला रहा हूँ। नहीं, मम्मा बाबा पहले देखे, फिर जब झाड़ को खोला तब भी मैंने मम्मा बाबा देखे, जब त्रिमूर्ति जो है वो ड्रामा वाला चित्र खोला तो तब भी मैंने मम्मा बाबा उसमें देखे। तो दादा मेरे को ज्ञान देने लगे, भाई ये सृष्टि चक्र का ज्ञान पहले देखा है, उसी ज्ञान को आप मन में ला रहे हैं भाई। तो मेरे को समझ तो कुछ नहीं आई थी ड्रामा का ज्ञान, बाद में फिर उन्होंने मेरे को ज्ञान सुनाते रहे सुनाते रहे। फिर मैंने कहा दादा ज्ञान सुनाने जाते थे गांव में, तो मैं भी जाती हूँ दादा के साथ। वहाँ हमारे पहले पहले कोई ज्ञान में नहीं थे, सिर्फ दादा के। तो बहुत लोग हमारे वृद्ध हो गए, बर्फाव दादा को कई कुछ बोलने लगे, बोला उन्हीं के घर में आया है भगवान, बस इनको लेने और कोई नहीं, उनको घर दिखाई दिया। तो ऐसे करके सभी ने वो तो भूल किया, रोज दादा ज्ञान सुनाने लग पड़े। मैं बोलती दादा नहीं जा रहा हूँ ज्ञान सुनाने को, आपको सब जो है गुस्सा करते हैं। फिर भी दादा रोज ज्ञान सुनाने चले गए। उसके बाद फिर मैंने दादा को इतने क्रोध करते, लोग दादा शीतल स्वभाव से उनको प्यार से जो है जवाब देते हैं, फिर पता नहीं क्या शक्ति है अंदर अंदर। तो मुझे बहुत उस समय दादा के जीवन से अनुभव हुआ कि नहीं, दादाजी के अंदर है कोई ताकत। मैंने दादाजी को बोला, मैंने कहा मैं भी जाना उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर आप हैं। तो दादाजी को बड़े अंदर खुशी हुई, कहा हाँ चलना कोई। फिर दूसरे तीसरे दिन जो है वहां में पढ़ाई पढ़ाती थी बच्चों को, तो वो 6 महीने की पढ़ाई मैंने अभी उनको पढ़ाया था। तो मैंने कहा कैसे जाना, मैंने आपके साथ छुट्टी नहीं मैं ले सकती हूँ। क्यों? मैंने कहा नहीं, वो जैसे दादा ने मेरे को बचाया था उस घर, तो उनसे ले लो भाई छुट्टी, और पिताजी से छुट्टी ले लो, और जो लोगों को भी छुट्टी लेने की आपको जरूरत। फिर दादा ने जैसे कहा वैसे मैं मान गई, तो आ गई पिताजी से भी छुट्टी लेके और ताजी से भी छुट्टी लेके। तो रास्ते में दादा ने ज्ञान देते रहे मेरे को। उसके बाद फिर जो आश्रम पर आए, तो आश्रम पर वीरवार था, वीरवार के दिन तो बहुत सारी माताएं थी, पूरा जो है कमरा भरा हुआ था। फिर उन्होंने एक बहन ने मेरे को पूछा, जो हमारी प्यारी प्यारी बहन कृष्णा बहन जी जलंधर, उन्होंने मेरे को पूछा वे आप कौन है, तो आपका पिता कौन है, ऐसे भी पूछा। तो पिता का नाम तो मेरे को नहीं लेना था, नाम नहीं लेते हैं यूपी में बड़ों का। तो उसके बाद नहीं, मैंने 10 बार पूछा उन्होंने, मैंने एक बार भी नहीं जो है उनको जवाब दिया। और मेरे को इतनी शर्म आई तो मैंने ऐसे एकदम से घूंघट निकाल दिया, मैंने उनको जो है जवाब नहीं दिया। फिर एक माता थी, बोला ये माता है कि कन्या, तो उस माता ने मेरा सारा जो है घूंघट पीछे किया, बोला ये तो कन्या है। ऐसे करके पिता का नाम उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपका पिता का नाम है, बताती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा उस समय हम शिव बाबा नहीं बोलते थे, उस समय हम बोलते थे परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ऐसा। तो उन्होंने ये बात जब कही तो मैंने भी अंदर, दादा ने रास्ते में मुझे को ज्ञान दिया हुआ था, तो मैंने कहा हाँ हाँ देखो ये तो मेरे को आता था। अंदर के अंदर मैं थोड़ी खुश भी हुई और
सोच में भी पड़ी हुई, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया होगा। ऐसे करती रही, फिर उसके बाद धीरे 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 ज्ञान जो है बढ़ता गया। रोजाना में वहां एक दिन आई वीरवार के दिन, उसके बाद दूसरे दिन भी आई, तीसरे दिन दादी जानकी जी थे वहां, उन्होंने कहा यहाँ रहेगी मेरे साथ। मैंने कहा हाँ जी। तो बस मैं तब से दादी जानकी जी के साथ वहाँ अमृतसर में आई थी और अमृतसर रही हूँ मैं वहां पर। तो दादी ने मेरे को सारी ज्ञान की बातें सुनाई, लेसन भी दूसरी बहन ने भी दिया। जब मेरे को लेसन देती थी बहन, पहले पहले का ज्ञान ऐसे होता था, बस आत्मा का परिचय देना, उसके बाद जो है सारा लंबा ज्ञान नहीं देते, बस आत्मा हो के और दृष्टि लो। तो मेरे को दृष्टि लेना का आना था, सर्व करती थी बहुत। तो मैं जो मेरे को सबक दे रही थी पहला पाठ, तो मैं उनको बोलू वो कहती दृष्टि ले, मैं उनको बोलती थी माता जी मेरे बहन जी मेरे को मत देखो, क्योंकि जे दिखाई देती थी तब आत्मा थोड़ी दिखाई देती थी। तो ऐसे करके दो दिन बीत गया, दूसरे दिन भी ऐसे बिठाया, तीसरे दिन भी बीत गया। तो आत्मा का जो पाठ है वो पक्का हो गया था मुझे, पर मैंने उनको कुछ बोला नहीं। उसके बाद चौथा दिन हुआ तो आत्मा का ज्ञान जब मेरे अंदर था, दादी ने बोला कि आपको सिलाई करने आती है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को जो सिलाई के लिए जो है ब्लाउज दे दिया। मैं सिलाई कर रही थी ऐसे तरपाई तरपाई पर बैठी थी मैं। बाद में फिर अपना जो पाठ दिया था आत्मा को, उस पाठ में मैं जैसे बच्चा रट्टा लगाता है ऐसे रट्टा लगाती रही, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ऐसे सारे सात ही गुण मैंने रट्टा लगाया। फिर ऐसे धीरे धीरे उस स्वरूप में टिक गई, और उस स्वरूप में टिकते टिकते मेरे को एकदम से इस शरीर से अलग हो गई मैं। मेरे हाथ से सारा ब्लाउज भी सुई धागा सब मालूम नहीं कब छूटा, और मैं इस शरीर को भूल के ऊपर 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 बहुत दूर बड़ी सुंदर लाइट सफेद चांदनी लाइट के अंदर में चली गई, और ये शरीर मेरा अलग सूक्ष्म शरीर हो गया, और इस देह का शरीर यहाँ का है आकार ये नीचे, तो वो आकारी शरीर मेरे को जो है ऊपर में निराकार ज्योति बिंदु में अपने को देखने लगी। तो वो सूक्ष्म शरीर मेरे को बोला कि आप जो है ये है ऊपर सितारा, ये जो नीचे शरीर है ये नहीं है आप। फिर मेरे को बड़ी अंदर अंदर खुशी हुई है मैं ये हूँ। बस ऐसे हल्का शरीर हो गया, और इस दुनिया का कोई ध्यान नहीं, भान नहीं, कुछ नहीं। तो इस हिसाब से फिर मैं जब नीचे आई वहां जो खुशी में मेरा मुंह चेहरा इतना प्रफुल्लित हो गया, मेरी जो टीचर थी वो मेरे को देखती रही, और जब मैं नीचे आई तो आंखों में मेरे एकदम से लाल आई, साथ में आंसू आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला आप अनुभव सुनाओ, तो मेरे से सुनाया नहीं गया अनुभव। तो धीरे 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 उन्होंने मेरे को जब देखा तो कहा ऐसे हुआ मुझे अनुभव, तो मन में रहा कि अब पता नहीं सुनाओ ना सुनाओ, ये मेरे को नहीं होगा। फिर भक्ति में सुना हुआ था, जिसको एक बार साक्षात्कार हो जाता
और दोबारा उसको नहीं होता इसलिए नहीं सुनाना भाई। तो मैं बहुत देर तक इसी बात में सोचती रह गई, फिर भी मैंने सुना दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज्ञान मार्ग है, इस ज्ञान मार्ग में जितना अनुभव सुनाएंगे उतना आपको और बढ़ेगा। फिर मेरे को बहुत खुशी हुई, हौसला हो गया, फिर मैंने वो अनुभव सुनाना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे आत्मा होकर के ऊपर कहीं दूर चली गई। तो उन्होंने कहा देखा कितना अच्छा अनुभव हुआ आपको। फिर ऐसे होता रहा अनुभव, फिर बस रोज आना, फिर मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते थे रात के, और इसी अनुभव को लेकर के मैं सारा अनुभव मैंने किया, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, शांति स्वरूप है, अनुभव सातों गुणों का, एक एक बात का मैंने अनुभव किया। फिर उसी अनुसार में बैठी बाबा की याद में, जब परम धाम में बैठती थी तो ऐसे महसूस होता था कि पहले दादी दीदी हमारे को बोलते मैं ऑलमाइटी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, तो ऐसे मेरे को भी अनुभव होने लगा कि वाकई भगवान मास्टर भगवान बहुत शक्ति मिली, बहुत शक्ति। तो यहाँ तक कि जो हमने गर्म सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े पहने होते हैं उनमें इतनी गर्माई आई कि ये पसीना ही छूट गया अंदर, इतनी शक्ति आई बाबा की। फिर मैंने बोला ये वो जब अनुभव सब हो गया तो धीरे 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 नीचे आई तो ध्यान का पार्ट बन खुल गया मेरा। तो दीदी चंद्रमणि बोले तेरे को ही जाया करना वीरवार ध्यान में भी जाती है ना, वीरवार भोग लेके जाती। फिर बहुत अनुभव होते थे कि वाकई जैसे शिव बाबा बोलते ना कि मैं किसी ना किसी के तन में प्रवेश होके दूसरों को अनुभव कराता हूँ। तो सब अनुभव करते थे कि इनके तन में जैसे बाबा आ गया भाई, जबकि मैं बोलती थी बाबा नहीं है, मैं आत्मा हूँ भाई। उसी रूप से इस ढंग से मैं अनुभव करते करते आखिर में बाबा के ज्ञान में पक्की होती गई और बाबा ने मुझे सुख भी दिया, शांति भी दी, खुशी भी दी, शक्ति भी दी, प्रेम भी दिया और परमानंद भी दिया, बहुत कुछ दिया। फिर मेरा इतना दिल प्रफुल्लित होता होता, मेरा चेहरा 1 महीने में इतना खुशी में गदगद हो गई तो खिल गए सारे बहन भाई, बोले कि क्या खाती है। तो मैंने मैं क्या खाना, मैं कुछ भी नहीं, दूध पीती हूँ, आप जैसे सारे को देते वैसे मेरे को भी देते। तो मैं इसी संकल्प में रही, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसी शुद्ध आत्मा के आधार से मैं बड़ी आगे बढ़ती गई, फिर बहुत मेरे को अनुभव होते गए। क्या बताना, ये अनुभव है गूंगे की मिठाई, इसलिए इस अनुभव को तो बाबा के पास 1 महीने के बाद जब मैं वहां पर रहती थी तो दादी जानकी ने पहले मेरे बारे में सारा विवरण दिया कि बाबा एक कन्या रहती है मेरे पास और उनके पैर में ये थोड़ा सा फर्क है और उसको फिर मैंने यहाँ पर रखा है, आप बोलो तो रखू ना तो नहीं रखू। बाबा ने कहा बच्ची को बाबा के सामने लाना है, आ जाए बाबा के पास बच्ची। तो जब बाबा के पास गई तो वहां पर मैंने बाबा से दृष्टि ली जाते ही तो बाबा के आंखों में मैंने 2 ज्योत देखी, यानी सितारे देखे 2। तो एक शिव बाबा की आत्मा, एक परम जो है एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा, ये दोनों देखिए। तो उस समय पर बाबा ने मेरे को ये कहा बच्ची बाबा जो है रूह को देखता है, शरीर को नहीं देखता। तो मेरे को इतना रोना आया, मैंने कहा बाबा तूने मेरे को पहचाना और मेरा लौकिक पिता ने
मेरे को खड्डे में दबा दिया सर। आज मैं तेरे पास रोना आया जोर से। फिर बाबा की मैं अपने गोद में गई, रोई खूब। जब बाबा ने कहा बच्ची अब बाबा मिल गया, थपथपाया बाबा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर बाबा ने कहा बच्ची अब बाबा मिल गया, अब क्यों रो रही है। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी बाबा मिलता रहेगा आपको यहाँ पर यार। फिर टोली खिलाई जो होते हैं मथुरा के पेड़े, ये आपने सुना हुआ भक्ति मार्ग में, तो वो पेड़े देखो बाबा ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। तो ये मेरे को अपना ऊपर बहुत बहुत एक नाज भी है, नशा भी है, खुशी भी है, बाबा के लिए प्यार भी आता। घड़ी घड़ी मेरे को बाबा तू ना आया होता इस धरती पर तो मैंने आपको कैसे मिलना था। तो ऐसे करके बाबा ने मेरे को कहा बच्ची तेरे को बाबा अपने हाथ में उंगली पकड़ के तेरे को ले जाएगा। फिर बाबा ने ऐसे उंगली पकड़ के मेरी जो पूरा जो है जहाँ ओम जो है शांति का तो जो तपस्या जहाँ मेडिटेशन हॉल है वो बना हुआ है उधर पहाड़ी था, उधर बाबा उस साइड में मेरे को अपने हाथ से पकड़ के वो ले गए पहाड़ी के। आओ बच्ची आपसे चला नहीं जाता, मैं ले जाऊं। फिर बाबा ने इस नाम से जो है जब बाबा बाहर सैर करने भी निकलते थे तभी मेरे को बोलते आओ बच्ची आपको मैं अपने हाथ से गेट तक मेरे को ले जाते थे। और फिर बाबा सब बहनों को सैर करके नकी झील तक जाते थे, मैं भी जाती थी। बाबा वहाँ सभी बच्चों को टोली भी खिलाते थे और घुमाते भी थे। फिर हम बच्चे भी फिर बीच बीच में बाबा जब खड़े होते थे वहाँ रास्ते में फिर पूछते बच्चे किसके साथ चल रहे हो, तो किसी को यही आना बोले बाबा के साथ, नहीं बच्चे बाप दादा दोनों के नाम लो। तो तब ऐसे ऐसे बाबा बीच बीच में बातें सुनाते थे हमारे को, और भी बहुत बातें बाबा सुनाते थे बच्चों को। कितने सुनाओ मैं लिख के रखूंगी। ओम शांति।